तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर स्कूटी को मारी टक्कर। आमने सामने हुई टक्कर में स्कूटी चालक गंभीर रूप से जख्मी। मधुबनी जिले के कोतवाली चौक स्थित सड़क पर रात के समय तेज रफ्तार से आ रही बाराती से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर स्कूटी से जा टकराई। स्कूटी चालक गंभीर रूप से जख्मी हो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मधुबनी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो कोतवाली चौक स्थित दुर्गा मंदिर के नजदीक अनियंत्रित हो सामने से आ रही दो वाहन चक्का से जा टकराई, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। तब तक दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो में सवार सभी बाराती मौके से इधर उधर भाग खड़े हुए दिखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी को मधुबनी सदर अस्पताल उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक भी मौके का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नगर थाना को दी गई। सूचना पाते ही थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर नाले में फंसी दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। वहीं इस घटना में घायल धर्म नारायण झा गांव तमुरिया थाना लखनरूड के रूप में पहचान हुई है। घायल के परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दिया गया तो परिजन सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुँच गए, लेकिन अभी तक थाना को इस घटना के संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया गया। जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि जख्मी के शरीर में कई जगह गहरा जख्म है, लेकिन वे खतरे से बाहर बताए हैं। वहीं इस बाबत नगर थाना पुलिस से पूछने का उन्हें जो बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि अमूनन व्यस्त रहने वाली शहर के कोतवाली चौक पर तेज रफ्तार के कारण ये दुर्घटना हुई, जबकि वाहन चालक के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व से ही गति सीमा निर्धारित की गई है, जिसे नज़रअंदाज करने का परिणाम आमतौर पर लोगों को भुगतना पड़ता है और हादसा के शिकार होती रहना पड़ता है। अभी तो सर एक्सीडेंट हुआ है, अभी तो पेशेंट भर्ती है। संबंध में मेरे पास अभी तीन पेशेंट आरटीए का आया है, एक जिसमें एक मेल है दयानंद झा करके हैं और दो फीमेल थे जिसमें से एक बच्चे हैं। दोनों बच्चे वो स्टेबल हैं, बट उनका झाजी का राइट फ्रैक्चर लग रहा है। सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए मैंने बोला वो आ जाता है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं क्या करना। आपका नाम सर? डॉक्टर प्रणाम सिंह सर।